हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें है प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2, तो इसमें है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना। ठीक है, तो आप पेज नंबर 97 ओपन कीजिए और क्वेश्चन फर्स्ट है, डिवाइड द फॉलोइंग्स। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का डिवाइड द फॉलोइंग्स। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है -27 एक्स स्क्वायर वाई बाई -9xy, यानी आपको -27x² y को डिवाइड करना है -9xy से। तो इसे न्यूमरेटर की फॉर्म में और इसे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -27x² y अपॉन -9xy। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 3 27 और y से y कैंसिल, ये आ गया। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 into x अपॉन x, x से x कैंसिल 3x। या फिर देखिए, डिवाइड में क्या होता है, जो हमने आपको बताया, जैसे x की पावर m डिवाइड एक्स की पावर एन, तो ये होता है एक्स की पावर एम माइनस एन, या एक्स की पावर एम डिवाइड एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस एन। तो टू में से वन पावर, जो जहाँ पावर नहीं लगी हुई है वो पावर वन मानी जाएगी, या टू में से वन माइनस होगा तो एक्स की पावर वन आ जाएगी। अब देखिए इसका पार्ट सेकंड, ये है 3/7 एल स्क्वायर एल का क्यूब एम का क्यूब एन, और इसको डिवाइड करना है किससे, 2/14 एल एम का क्यूब एन। देखिए, जब फ्रैक्शन को डिवाइड करता है, फ्रैक्शन को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3/7 जो डिवाइड करता है वो हो जाता है 14/2, यानी उसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, और इनटू ये टर्म न्यूमरेटर की फॉर्म में m की पावर 3n और l m की पावर 3n। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल हैं उनको न्यूमरेटर की फॉर्म में रखेंगे, और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जो हमारा रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, तो सेकंड का रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो 14 2 जा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, एम क्यूब से एम क्यूब, एन से एन, तो ये आ जाएगा 3। ऊपर देखिए, 3 में से 1 पावर माइनस हो गई, एल की पावर 2। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, यानी आपको डिवाइड करना है 0.06 2 5 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 2.5x से। तो देखिए, ये हो जाएगा 0.06 2 5 एक्स स्क्वायर अपॉन
2.5। देखिए जब हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें डिवाइड नहीं होना चाहिए जो हमारा डिवीज़र है, ठीक है। तो डिवीज़र में डिवाइड नहीं होना चाहिए, यानी 2.5 का ये डेसिमल आपको हटाना पड़ेगा। तो एक प्लेस इधर ले जाइए, तो राइट हैंड ले जाएंगे दोनों को एक प्लेस, तो ये जाएगा 0.625x2/25, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x है 0.625 डिवाइड बाई 25। तो देखिए 6 में टेबल नहीं, डेसिमल आएगा पहले तो 6 में टेबल नहीं जाएगा, 62 दो डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगे, तो 0, तो 25 टू जा 50, क्या बचेगा 2, 1 और ये 5, 25 5 जा 125, तो ये आ जाएगा 0.025 और पावर 2 और यहाँ पे 1, तो x, दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है, तो ये आपको 4x2y2 फर्स्ट पार्ट है ये 4x2y2 -5xy² +6y³ -8y⁴, इसको डिवाइड करना है आपको बाई 2y से, ठीक है। तो देखिए आप 4x² y² / 2y माइनस, देखिए सभी के नीचे आएगा ये जितनी भी टर्म है, -5xy² / 2y +6y³ / 2y और -8y⁴ / 2y, सारी टर्म 2y से डिवाइड होंगी, तो 2 2 जा 4, y की ऊपर 2 पावर है नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 2x² y, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो -5/2, ऊपर x y की 1 पावर माइनस हो जाएगी, -5xy 2 3 जा, और पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा 3y² 2 4 जा, तो ये हो जाएगा -4y³ 3, एक पावर लेस हो जाएगी, दैट्स क्लियर। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, -QRXY +PRYZ -RXYZ, इसको डिवाइड करना है किससे, -XYZ से, तो -XYZ सभी टर्म को डिवाइड करेगी, तो -QRXY / -XYZ +PRYZ / -XYZ -RXYZ / -XYZ। अब देखिए क्या कैंसिल होता है, देखिए x माइनस से माइनस कैंसिल, xy से xy कैंसिल, तो यहाँ बचेगा QR/Z, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा,
वाई जेड से, वाई जेड कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्या पी आर अपॉन एक्स, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई जेड ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस आर। ओके ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट नंबर थ्री। ये थर्ड 17y का क्यूब माइनस 8y² प्लस 9y, इसको डिवाइड करना है माइनस y से, तो माइनस y सभी टर्म को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन y का क्यूब अपॉन माइनस y माइनस 8y का स्क्वायर अपॉन माइनस 8 माइनस y और प्लस 9y अपॉन माइनस y। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर प्लस है और माइनस, अगर एक एक प्लेस पे प्लस और दूसरे पे माइनस तो माइनस आएगा, तो 17y स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी ऊपर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा 8y और ये प्लस ये माइनस तो माइनस होगा 9, वाई से y कैंसिल हो जाएगा। ओके अब देखिए क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। वन अपॉन फोर वाई का क्यूब वाई का क्यूब माइनस 2/3y² और प्लस 1/6y, इसको डिवाइड करना है आपका माइनस 1/2y से। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1/4, और देखिए ये जब भी हमारा फ्रैक्शन फ्रैक्शन को डिवाइड करेगा तो जो डिवाइड करता है उसका रेसिप्रो, ये माइनस 2/1 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब अपॉन वाई। अब नेक्स्ट टर्म माइनस 2/3, इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस 2/1 और यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1/6 इंटू माइनस 2/1 वाई अपॉन वाई। ठीक है, यानी आपका जो ये फ्रैक्शन है इसको माइनस 1/2 जब डिवाइड करेगा तो इसका माइनस 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो हो जाएगा माइनस 2/1। देखिए यहाँ से 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो माइनस 1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1/2y² आएगा ये। ठीक है, और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 2 जा 4 प्लस में हो जाएगा 4/3 वाई और यहाँ वाई से वाई कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, माइनस 1/3। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम डिवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ तो हम न्यूमरेटर और फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं, चलिए इसका एक पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन 3, डिवाइड ये 4x²
या यहाँ लिखिए 4x² माइनस 6x माइनस 6x माइनस 10, इसको डिवाइड करना है आपको 2x प्लस 2 से। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, नेक्स्ट क्लासेस में भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए डिवीजर की फर्स्ट टर्म देखनी है और डिविडेंट की फर्स्ट टर्म देखनी है। सबसे पहले तो इसका कोफिशियंट देखेंगे 2, तो इसका 4 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो 2 होगा, और x में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ये होगा। अगर 2x को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x जो पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 2 को, 2x ने मल्टीप्लाई किया 2x को तो 4x स्क्वायर हो गया, 2x ने मल्टीप्लाई किया 2 को तो माइनस प्लस 4x हो गया। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई करेगा 2x को 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x मल्टीप्लाई करेगा 2 को तो 4x हो जाएगा। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपने पीछे क्लासेस में सीखा होगा, जो नीचे वाली टर्म है वो सब माइनस में, उसके साथ साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये भी माइनस और ये माइनस। देखिए जिसके पहले कोई साइन नहीं है वो प्लस माना जाएगा, अब ये हमारे साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों इक्वल टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस है दोनों, तो माइनस के 10x माइनस 10। अब देखिए इसकी भी फर्स्ट टर्म आपको देखनी है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10 हो जाए, तो वो है माइनस 5, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 होगा, लेकिन आपको 2x से करना है तो माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये साइन आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल और जीरो रिमाइंडर, तो आपका आंसर होगा 2x माइनस 5। ओके, तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप अच्छे से देखिए वीडियो को, और उसके क्वेश्चन 1, 2 और 3 का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इनको समझिए और अपने फेयर कॉपी में वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।